जीवामृत कैसे तैयार करें एक बीघा के लिए पानी 40 लीटर देशी गाय का गोमूत्र एक से दो लीटर देशी गाय का गोबर दो किलो गुड़ 200 ग्राम गन्ने का रस 750 मिली गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े दो किलो अथवा अथवा मीठे फलों का गुदा 200 ग्राम दलहन का आटा 200 ग्राम तीन उंगलियों में आने वाली मेड़ की खारा पानी नहीं चाहिए बहता हुआ पानी चाहिए संग्रहित नहीं चाहिए चेतन शक्ति बहते हुए पानी में होती है सचेतन शक्ति संग्रहित पानी में नहीं होती भैंस और जैसी उदर्शन का बिल्कुल नहीं चलेगा भेड़ बकरियों का भी नहीं चलेगा मैंने जांच लिया है गोमूत्र जितना पुराना उतना ही अच्छा होता है इसलिए गोमूत्र का संकलन और संग्रहण चालू करें इसके लिए देशी गाय का गोबर जितना ताज़ा उतना ही अच्छा होता है अगर गोबर में नमी है तो तराई में सात दिन का गोबर ताज़ा ही होता है और पहाड़ों में पंद्रह दिन का गोबर ताज़ा ही होता है आधा देशी गाय का आधा बैल का गोबर चलेगा लेकिन केवल बैल का नहीं चलेगा जो गाय बूढ़ी है दूध नहीं देती बच्चा नहीं देती उसका गोबर और गोमूत्र जीवामृत के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि उसको चारा खाने से मिलने वाली सभी ऊर्जा एंटा एनर्जी दूध देती नहीं तो दूध में खर्च होती नहीं बछड़ा देती नहीं तो बछड़ा विकास के लिए खर्च होती नहीं गोबर गोमूत्र विकास के लिए खर्च होती है उसके बाद दूध देने वाली बछड़ा देने वाली देशी पहाड़ी गाय अच्छी सर्वोत्तम गुड़ काले रंग का प्राकृतिक गुड़ होता है अगर गुड़ उपलब्ध नहीं है तो लाल पीला कोई भी चलेगा गुड़ हम घर में बना सकते हैं खरीदने की आवश्यकता नहीं है अगर गन्ने का रस उपलब्ध नहीं है अमरुद सेब आम इनके मीठे फलों का मीठा गुदा एक किलो चलेगा ए, नहीं दो सौ ग्राम चलेगा दलहन के आटे के लिए सबसे बढ़िया परिणाम अरहर, चना लोबिया राजमा मूंग इनका आटा चलेगा लेकिन सोयाबीन मूंगफली क्योंकि सोयाबीन मूंगफली के आटे में तेल ज्यादा होता है सोयाबीन मूंगफली के आटे में तेल ज्यादा होता है जीवामृत के ऊपर क्या होता है उसको फैलता है जीवाणु को प्राणवायु नहीं मिलता जीवामृत के परिणाम नंबर वन जीवामृत उपयुक्त सूक्ष्म जीवाणों का ह्यूमस निर्मित करने वाले उपयुक्त सभी प्रकार के जीवाणुओं का सर्वोत्तुष्ट सर्वोत्तम जामन है नंबर दोन जीवामृत बढ़िया दवा भी है नंबर तीन जीवामृत जंतुरोधक है चार जीवामृत सर्वोत्तम विषाणुनाशक भी है पांच जीवामृत पत्तों को सूरज के रोशनी के साथ आने वाले घातक विकिरण से बचाता है छ जीवामृत में ऐसे कारक संजीवक है जिसके छिड़काव से पत्तों का आकार बढ़ता है जब पत्तों का आकार बढ़ता है तो खाना बनाए के बनाने का क्षेत्र भी बढ़ता है पत्तों के खाना बनाने का क्षेत्र भी बढ़ता है इसका मतलब है उत्पादन भी बढ़ता है नंबर सात जीवामृत छिड़कने से कड़ी धूप में पत्तों का नुकसान नहीं होता पत्ते बचते हैं जीवामृत के छिड़काव से फसल पाले से भी बचती है जीवामृत छिड़कने से एसेटोडाइजोटोपिक जैसे सूक्ष्म जीवाणु आपातकाल में सीधा हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और जड़ों पत्तों को देते हैं जीवामृत देने का सर्वोत्तम परिणाम मिलने के लिए सतह के भूमि के ऊपर और भूमि के ऊपर और भूमि के अंदर जड़ों के पास एक विशिष्ट सूक्ष्म पर्यावरण आवश्यक होता है अगर यह सूक्ष्म पर्यावरण वहां उपस्थित होता है तो जीवामूत के माध्यम से भूमि में जाने वाले जीवाणु अपने सर्वोच्च गति से सर्वोत्तम क्षमता से ह्यूमस निर्मित का कार्य करते हैं और सर्वोत्तम उपज के परिणाम देते हैं जीवामृत बनाने के लिए लोहे का ड्राम अथवा सीमेंट की टंकी गोलाकार चलेगी अगर ये टंकियां उपलब्ध नहीं है तो कुएं के पास नलकूप के पास फी आकार का खड्डा खोदना है खड्डे की मिट्टी खड्डे के बाजू में डालना है इतना दूर डालना है कि मिट्टी अंदर नहीं आएगी ठीक है पत्थर लेकर खड्डे की दीवारें अंदर की पीट देना है ताकि वो कठिन बन जाए कठोर अंदर की दीवार को क्या करना है पीट देना है और देशी गाय का गोबर का घोल बनाकर उसको क्या करना है दीवारों को लिप देना है उस खड्डे को सूखने के लिए रख देना है तो दीवारों को क्या होगी दरारे गिरेगी तो उसमें वो उस दरारों को बुझा देना है घोल से और दरारे बंद हो जाएगी उसमें जीवामृत बनाना है चालीस लीटर पानी में पहले गोमूत्र डालना है बाद में एक टोकरे में दो किलो देशी गाय का गोबर लेना है उसमें गोबर पूरा भीग जाएगा इतना पानी डालना है बाद में हाथों से उसको पानी में क्या करना है घोल बनाना है फिर वो घोल पानी में डाल देना है चालीस लीटर पानी में टोकरे को पानी से क्या करना है धोना है क्योंकि उसके अवशेष होते हैं ना वो भी डालना है दूसरे टोकरे में पानी लेकर 200 ग्राम गुड़ बारीक करके डालना है और उसको क्या करना है पानी में घोल देना है बाद में वो घोल पानी में डालना है चालीस लीटर अब वो टोकरा पानी से धोकर वो पानी में डालना है और उस टोकरे में और पानी लेना है दो सौ ग्राम दलहन का आटा डालना है और उसको ठीक से घोलना है हाथों से लकड़ी से उसको घोलना है बाय से दाएं घड़ी के काटे घूमते हैं ना उस दिशा में क्लॉक वाइज गनी बैग कहता गनी बैग क्या बोलते हैं गनी बैग को बोरी बोलते हैं ना बोरी से ढक देना है और ऊपर छाया करना है पेड़ के छाया में भी हम कर सकते हैं पेड़ के छाए में भी रख सकते हैं भविष्य क्या करना है ढक देना है तराई में अड़तालीस घंटे रखना है मध्य हिमालय में सात दिन रखना है और ऊंचाई पर दस से लेकर पंद्रह दिन रखना है रोज सुबह शाम दो मिनट के लिए घोलना है अभी जो अमृत तैयार हो गया है एक टंकी है टंके के निचले स्तर में नौ इंच अंतर पर एक न छेद किया है उसमें प्लास्टिक की एक पाइप लगा दिया है और उसको क्या कहा है टोटी लगा दिया है ना इसके विरुद्ध दिशा में में एक दूसरा छेद किया है वहाँ पाइप लगा दिया यहाँ टोटी लगा दिए और इसमें जो आमृत डाल दिया है ये जो टोटी है इसको एक जाली लगाई है छानने के लिए इसके होगा और ये नीचे की टंकी है इसमें छाना हुआ जो अमृत कहाँ आएगा यहाँ आएगा और यहाँ से एस टीपी पं से उठा कर हम हमारे खेतों में डाल सकते बागवानी में सिंचाई के पानी के साथ जीवामृत देने के बाद पेड़ पौधों पर जो परिणाम मिले उससे बेहतर परिणाम जीवामृत सीधा भूमि पर डालने से मिले हैं अगर भूमि पर डालना है तो छानने की आवश्यकता नहीं अगर बागवानी का बड़ा क्षेत्र है तो जीवामृत भूमि में भूमि पर डालने के लिए और साथ में उसी समय छिड़काव के लिए साथ में उसी समय छिड़काव के लिए ब्लोअर मशीन का उपयोग कर सकते हैं। टंकी के ऊपर का जब जीवामृत निकलने के बाद टंकी के तलटे में जीवामृत का घना साका संग्रहित होता है उसको निकाले मत वैसे ही रहने दीजिए अगर 100 लीटर की टंकी है तो 90 लीटर पानी डालना है 200 लीटर की टंकी है तो 180 लीटर डालना है और एक हजार लीटर की टंकी है तो नौ सौ लीटर डालना है उसमें गुड़ और दलहन का आटा डालना नहीं है जीवाणु मिट्टी भी डालना नहीं है उसकी आवश्यकता ही नहीं है केवल पानी डालना है और लकड़ी से घोलना है बाद में बोरी से ढक दे और उतना ही दिन रखे जितना जीवामृत रखा था तराई में दो दिन से लेकर चार दिन बीच में सात दिन ऊंचाई पहाड़ियों पर दस से पंद्रह दिन जितने दिन जीवामृत रख रहा उसको इतने ही दिन इसको भी रखिए दिन में दो बार रोज लकड़ी से घोलिए अंत में कपड़े से छान कर पूरे जीवामृत का उपयोग करें, जीवामृत नौ इंच के ऊपर की नली से निकालने के बाद टंकी में पानी डालकर टंकी को धो ले और उस धुले हुए पानी को तलट के छेद में से निकाल लेवामृत बनाने का साहस मत करिए जीवामृत देने की विधिया जीवामृत तीन पद्धति से दिया जाता है नंबर एक सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर देना नंबर दो दो पौधों के बीच में सीधा भूमि पर डालना और नंबर तीन खड़ी फसल पर जीवामृत का छिड़काव करना कुएं के पानी का सिंचाई कुएं में अगर एक 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 बीघा सिंचाई हो गए इतना पानी है तो 40 से लेकर 80 लीटर जीवामृत कपड़े से छान ले और सीधा कुएं के पानी में डाल दे जैसे ही मोटर पंप चलता है फुटवाल के पास सक्शन प्रेशर निर्माण होता है जिससे जीवामृत पानी में अपने आप घुल जाता है और डिलीवरी पाइप से सीधा पौधों तक चला जाता है वो पानी पीने से दुगुना भार बढ़ता है अगर कुएं में दो बीघा सिंचाई होगा इतना पानी है तो दुगुना जीवामृत लेना है अगर ठबक सिंचन है या फवारा सिंचन है जीवामृत को छानना है और एस टी पी पंप से उठाकर फिल्टर सिस्टम को जोड़ना है अपने आप सिंचाई के पानी में चला जाएगा ये डिलीवरी पाइप है है ना कहाँ से आया कुएं से आया नलकूप से आया तालाब नदी नाले से आया कहीं से भी आया लेकिन आया है ना अ यहाँ वो पानी गिर रहा है ये सीमेंट की क्या है हौद है टंकी है और ये मुख्य नाली पानी देने की क्या है मुख्य नाली है और ये जो टंकी का इस और हमने एक जीवामृत तिरंग के ऊपर लगा दिए और छान का जीवामृत उसमें डाल दिए जैसे ही आप मोटर चालू करते हैं यह पानी डेली पाइप से कहाँ से आता है कुएं से आता है नलकूप से आता है कहीं से भी आता है तो यहां गिरता है और गिरकर फिर नाली में बहने लगता है जैसे पानी यहां गिरेगा ये टोटी को क्या करना है धीरे से मोड़ना है तो बुन बुन जीवामूत किसमें गिरेगा पानी में गिर जाएगा और इसमें घोलकर सीधा नाली से कहां तक चला जाएगा पेड़ पौधों तक चला जाएगा और चौथी पद्धत कुएं के किनारे जीवामृत की टंकी इस तरह रखिए ताकि जीवामृत की टोटी कुए के तरफ हो जाएगी उस टोटी को रबरी नली लगा दे रबरी पाइप नली की एक सिरा टोटी को जोड़ दे और दूसरा सिरा फुटवाल के पास छोड़ दे ये ये कुआ है क्या है ये कुआ है दिखता है कुएं जैसा ठीक है ये मोटर पंप है ये सक्शन पाइप है ये फुटवाल है वो क्या है डिलीवी पाइप पे एक किनारे हमने क्या किया जुआमुद के टंके रखी और नीचे क्या किया एक टोटी लगा दी और एक रबी नदी का एक सिरा किसको बांधा टोटी को और दूसरा सिरा कहां लटका दिया फुटवाल के पास सुतली से उसको बांध दिया जैसी मोटर चालू होती है तो ये छाना हुआ जुआ अमृत टंके में डालना है कौन सा छाना हुआ जैसे टोटी आप घुमाते हो तो बुन बुन जुआ अमृत कहां गिरेगा फुटबॉल के बाद पानी में गिरेगा सक्शन से वो पानी में घुल जाएगा और डीजी पाइप से सीधा कहाँ जाएगा फसल जाए ठीक है लेकिन हिमपात होने के बाद छिड़काव की कोई आवश्यकता नहीं है फल ना होने के बाद वही शेड्यूल अमल में लाए mm -hmm.